नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह के ट्वीट ने अमेठी की राजनीति में भूचाल खड़ा कर दिया। मामले में पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल मामला अमेठी के जगदीशपुर का है। यहां स्थित एक रियल एस्टेट कंपनी शाइन सिटी ने जमीन के खरीद फरोख्त के सिलसिले में एक विज्ञापन छपवाया, जिसमें अमेठी सांसद व केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी, राज्य मंत्री सुरेश पासी व भाजपा के जिलाध्यक्ष के साथ स्थानीय ग्राम प्रधान अभय प्रताप सिंह जगदीशपुर की फोटो भी नीचे छपवा दी। विज्ञापन को देखते हुए कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह फोटो के साथ ट्विटर हैंडल पर मंत्री को टैग करते हुए ट्वीट कर लिखा, अभी साल भर भी नहीं हुआ अमेठी से जीते, अब स्मृति ईरानी अमेठी में विज्ञापन देकर जमीन भी बेचने लगी हैं। हम अमेठी वासी अब अमेठी नहीं बिकने देंगे। ट्वीट का संज्ञान लेते हुए केंद्रीय मंत्री ने बिना अनुमति विज्ञापन में फोटो छापने पर नाराजगी जाहिर करते हुए अपने निजी सचिव को शिकायती पत्र लिखकर संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया। आदेश के अनुपालन में मंत्री के निजी सचिव ने साइंस सिटी रियल एस्टेट के प्रबंधक निदेशक व अन्य के खिलाफ एसपी को प्रार्थना पत्र देकर जिस पर तत्काल आदेश करते हुए अज्ञात के खिलाफ 420-267 के अंतर्गत जगदीशपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराकर जांच शुरू कर दी। एसपी ने मीडिया को बताया कि बिना पूर्व अनुमति के किसी भी राजनीतिक या जनप्रतिनिधि की फोटो छपवाना कानून अपराध है, इसके लिए उनकी छवि धूमी होती है। एसपी ने बताया किसी भी पब्लिक या प्राइवेट फिगर को उसके बिना अनुमति के, उसकी सहमति के बिना उसके नाम और पदनाम फोटो को किसी भी दशा में विज्ञापन में पब्लिश कराना ये एक गैरकानूनी काम है। आप देख रहे हैं अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। एक मामला संज्ञान में आया है, जिसमें एक अखबार में एक प्रकाशित विज्ञापन के तहत, जिसमें साई ग्रीन सिटी जगदीशपुर द्वारा एक विज्ञापन दिया गया है, जिसमें प्लॉट खरीदने के लिए अपील की गई है, और उसी अपील के नीचे उसमें कुछ वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों की फोटोग्राफ्स और उनके पदनाम और नाम का उसमें उल्लेख किया गया है। उसी के चलते माननीय सांसद महोदय के निजी सचिव द्वारा हमें एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसके माध्यम से ये पुलिस कार्रवाई के लिए उसमें लिखा गया था कि बिना उनकी पूर्व अनुमति और बिना उनकी सहमति के उनका नाम पदनाम और उनकी फ़ोटो को इस्तेमाल करते हुए इस तरह से प्लॉट खरीदने के लिए अपील की गई है। उसी संबंध में अज्ञात में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है थाना जगदीशपुर में, और इसमें प्रथम दृष्टया पूछताछ चल रही है। जो साई ग्रीन सिटी के एमडी हैं वीरेंद्र द्विवेदी, उनके पार्टनर सोनू यज्ञ सैनी, वहाँ के जो प्रधान हैं अभय प्रताप सिंह वो, और जो वहाँ के लोकल लेवल के जो पत्रकार हैं जिन्होंने ये विज्ञापन जो है पूरा डिज़ाइन किया और पब्लिश कराया, और इसमें ट्विटर के माध्यम से जहाँ ये सर्कुलेट हुआ है सभी जगह से पूछताछ करके इसमें और गहनता से विवेचना करके इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मैं ये भी बता दूं कि कोई भी पब्लिक फिगर को या कोई भी प्राइवेट पर्सन का नाम पदनाम और उनकी फ़ोटो को बिना उनकी पूर्व अनुमति या पूर्ण सहमति के, रिटन सहमति के, किसी भी विज्ञापन में या कहीं भी प्रकाशित करना एक इलीगल एक्टिविटी है, और इस पे पूर्णतया रोक लगाने के लिए और जागरूक करने के लिए मैं आपके और मीडिया बंधुओं के माध्यम से बताना चाहूँगी कि इसमें साई ग्रीन सिटी की ठेकेदारी के संबंध में और प्लॉटिंग की एनओसी के संबंध में भी डीएम कार्यालय को अग्रिम कार्रवाई हेतु मेरे द्वारा एक रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। मुकदमा किन के नाम अज्ञात हुआ? हाँ, मुकदमा अभी अज्ञात में पंजीकृत है और कुछ लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं जिनसे पूछताछ चल रही है। इसमें दो तीन लेवल पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि इसमें डिफेम करने की भी इसमें अपराध किया गया है, और साथ में क्योंकि इसमें फॉर्ज किया गया है, नाम पदनाम और फोटो का इस्तेमाल किया गया है, कोई रिटर्न में उनके पास अनुमति नहीं है, कोई एनओसी नहीं है, तो उसमें एक तो हम लोग लीगल एक्शन ले रहे हैं और दूसरा हम लोग डीएम कार्यालय के थ्रू जो इनके ठेकेदारी की या प्लॉटिंग की एनओसी के संबंध में इनके जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स और अनापत्ति रिपोर्ट इनके यहाँ से जारी हुई है उस संबंध में भी पुनः जाँच करने हेतु मेरे द्वारा पत्राचार किया जा रहा है। Thank you.
संवारे अपना भविष्य इंदु प्रकाश फार्मेसी के साथ, डी फार्मा और बी फार्मा करके। इंदु प्रकाश फार्मेसी एट हल्दरपुर मऊ और साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी से एलोपैथिक में डी फार्मा करें। विजिट साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिकटिया, रोज गार्डन के सामने मऊ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।